हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिलिस भापा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए बनाना लीफ, हिलिस माच, सॉल्ट, यहाँ ये है सरसों, ग्रीन चिल्ली जिसकी मैं पेस्ट बनाऊंगी। कि मैंने ये पेस्ट बना के रख ली है सरसों और ग्रीन चिल्ली की। अब मैं इसे भी इसमें डालकर मैरिनेट करूंगी एक साथ। उसके बाद ये केले पत्ते को अच्छी तरीके से इसको पहले सेक लूंगी, ऐसा करने से ये फटेगा नहीं। ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका फटने का चांसेस जो है वो भी कम हो जाएगा। ऐसे करके मैं एक एक करके सारे के सारे केले पत्ते मैं सेक लूंगी। और ये पानी मैं पहले से चढ़ा के रखी हूँ, जिसमें मैं स्टीम करने वाली हूँ फिश को। ऐसे जब तक ये पानी यहाँ बॉईल हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे ये सब रेडी कर लूंगी ये फिश को। अब मैं इसमें थोड़ी मस्टर्ड ऑयल, डाल के ऐसे मैरिनेट करूंगी। ये एक एक करके ऐसे केले पत्ते में रैप करके इसको स्टीम करेंगे। इसको ऐसे रैप कर दूंगी इस तरीके से। इसके बाद खुले नहीं, इसके लिए मैं इसे सूतों से ऐसे बांध दूंगी। ऑलरेडी यहाँ इतने सारे हो चुके हैं, ऐसे करके मैं सबको कर लूंगी। रैप करके सूता से बांध दूंगी, बस कंप्लीट। अब मैं इसे इस पर स्टीम होने के लिए रखूंगी ऐसे। इसमें स्टीम होगा, वापस से इसे ढक दूंगी ऊपर से। एक्स्ट्रा कवर दे दूंगी ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। ये देखिए, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स के बाद में देखिए ये लगभग हो चुका है। थोड़ी देर और पकाएंगे और 5 मिनट इसमें ही रहने देंगे, उसके बाद बस बंद कर देंगे गैस। ये देखिए, ये हो गया है। अब मैं इसे अनकवर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। आप इसे गर्म राइस के साथ खा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। अगली बार फिर आऊँगी दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।